74,000 का हो गया भाई, मेरे को समझ नहीं आया। मैंने उसकी रील भी डाली थी, मगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ना थोड़ी फेक वीडियो लग रही है मेरे को। उसका रीजन क्या है कि लोग बोल रहे हैं एवरेज कम दे रही है गाड़ी, एवरेज कम दे रही है। देख लो ऑटोमेटिक के अंदर 15 की एवरेज निकाली है मैंने। बेसिकली अपनी चलाई के ऊपर है कि आप गाड़ी चलाते कैसे हो। भाई साहब कस्टमर ने बोला कि मैं थार इसके आगे फेल है, जबरदस्त गाड़ी है और एक की जगह 3 बुकिंग है। ये देख लो गाड़ी की टेस्ट करेंगे कितने। आज हम कल सुपर बाइक चलाई थी, तो आज हमारा काम में दोबारा मन लग रहा है। हम लेके जा रहे हैं जिम्मी की टेस्ट ड्राइव अर्जनगढ़ के पास, जहाँ पर कि सारे के सारे राइडर जाते हैं, है ना। उसमें क्या बजाना, हम देखते हैं क्या होता है। गाड़ी को पूरी चेक कर ले। कॉस्ट मुझे कह रहा है कि गाड़ी पंचर है, पंचर तो है यार। ओके तो है, कहाँ से पंचर है यार। हाँ गाड़ी तो ओके है। एटी की टेस्ट ड्राइव लेके जा रहे हैं भाई। हम निकल चुके हैं जिम्मी लेके, मगर ना जिम्मी में एक चीज की ना मुझे कमी लगती है कि ना इसका स्टेयरिंग बहुत हैवी है, थोड़ा सा हैवी लगता है। मुझे लगता है लैडर चेसिस फ्रेम के अंदर ना ये चीज होनी भी चाहिए, बिकॉज गाड़ी ऑफ रोडिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग है, मगर अगर बिल्कुल सॉफ्ट होगा ना तो गाड़ी पलटने का डर रहता है। क्योंकि लैडर चेसिस के अंदर ऐसा होता है कि चेसिस अलग और इंजन अलग 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 बनते हैं, तो थोड़ा सा स्टेयरिंग हैवी है। भाई मैं खड्डों में लेके जा रहा हूँ, मगर मुझे इतना सा भी ना फील नहीं हो रहा कि अगर ये नॉर्मल गाड़ी होती ना, यही स्विफ्ट या डिजायर या कोई और गाड़ी होती छोटी, तो वो खड्डे में अंदर बम्पर पक्का लगता। मगर यहाँ पर खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता है दिल्ली के अंदर कितने खड्डे, रोड कम खड्डे ज़्यादा हैं। तो भैया प्योर ऑफ रोडिंग कार है, प्योर ऑफ रोडिंग कार। अगर जिस बंदे ने गाड़ी चलाई नहीं ना, तो वो उसका एक्सपीरियंस नहीं बता सकता। हाँ मैं अब इसको थार से कंपेरिजन कर सकता हूँ इंजन को छोड़ के, मगर इंजन भी पावरफुल है भाई। क्योंकि अगर मैं बात करूँ पावर टू वेट रेशो की, तो वेट कम है पावर ज्यादा है भाई। ये आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप के अंदर बड़े कंफ्यूज होते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं है भैया कि आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप है क्या, स्मार्ट हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में फर्क क्या है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है भाई। स्मार्ट हाइब्रिड माइल्ड हाइब्रिड जिसे कहते हैं, आपकी गाड़ी में IGS जनरेटर है, 2 बैटरीज हैं, वो आपका इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप रखता है। दूसरा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर फर्क ये है कि वो आपकी 40 तक चलती है बैटरी पे। हार्ड प्रेस करोगे एक्सीलेटर को तो गाड़ी ऑटोमेटिकली इंजन पे आ जाएगी। वो सेल्फ चार्जिंग होती है, उसको हम EV की तरह चार्जिंग पे नहीं लगाते, वो सेल्फ चार्जिंग है, ऑटोमेटिकली चार्ज होती है। जब बैटरी ड्रेन होती है, लो होती है, तो इंजन पे चार्ज होती है, तो दोबारा बैटरी पे। तो मज़ेदार बाइक है, एवरेज भी बहुत बढ़िया आती है, 27+ की एवरेज है ग्रैंड विटारा की, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आती है। आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप हमारी मोस्टली सारी गाड़ियों में आता है, मगर उसका बेनिफिट जो है फ्यूल सेव करने का है, नॉट कि वो बैटरी पे या 40 तक वो चलती है EV पे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, अभी मैं बैठा हुआ था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो एक बंदा बाइक पे था, कहता भाई सरदार जी गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कॉज ये ना पैरेट कलर है, नियॉन कलर है, तो ये ना टॉय कार बोलते हैं इसको, तो लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि यूनिक कलर को लोग बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं। जैसे अभी मैं घुमाऊंगा तो कई लोग गाड़ी देख रहे हैं, ऐसे ये बंदे हो गए यहाँ हो गए, सब गाड़ी को ही देख रहे हैं कि भैया सरदार जी लेके क्या आए हैं, कौन सी परी ले आए हैं। तो गाड़ी की रोड पसंद अच्छी है। कि अभी मैंने एक और बात भी करनी है आपसे कि बहुत एक वीडियो वायरल हो रही है कि भैया 10,74,000 रुपया गाड़ी का एक शोरूम हो गया जिम्मी का। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी डिटेल मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा कि वो क्या है क्या नहीं है, आप वीडियो पूरी देखना। क्योंकि भैया यार ऐसे ना मारुति कोई प्रोडक्ट नहीं निकालेगी, फ्लॉप प्रोडक्ट आज तक उनका नहीं हुआ, ठीक है। प्राइस मैं जरूर बोलूंगा कि ज़्यादा हो गया था, मगर उन्होंने उसके अंदर भी वेरी कर दिया है कि भैया कम लेके आ गए हैं, मगर वो डिस्काउंट है क्योंकि वो आपके इनवॉइस वैल्यू के अंदर माइनस होगा, है ना। तो बाकी सारी जो बातें हैं वो मैं आपके ऑफिस जाके करूंगा, अभी जाम बहुत लगा तो फटाफट वाले यहाँ से निकल लें, उसके बाद आपसे बात करेंगे, है ना।
लोग बोल रहे हैं एवरेज कम दे रही है गाड़ी, एवरेज कम दे रही है। देख लो ऑटोमेटिक के अंदर 15 की एवरेज निकाली है मैंने। बेसिकली अपनी चलाई के ऊपर है कि आप गाड़ी चलाते कैसे हो, आप कैसे एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हो ऑटोमेटिक के अंदर या गियर शिफ्टिंग कैसे कर रहे हो मैनुअल के अंदर, उस हिसाब से एवरेज आती है। 15 की एवरेज दे रही है अभी मुझे लोकल सिटी में, तो हाईवे पे प्लस हो जाएगी ये, कम से कम 18-19 जाएगी। तो जिमी की एवरेज की बात करूँ तो 9-10 की नहीं है भाई, 15 की एवरेज है। गाड़ी बहुत बढ़िया है, डेली यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो एज कम्पेयर टू थार। अगर आपने कोट पैंट पहना हुआ भाई साहब, मम्मा पापा ने साथ जाना है, फैमिली आपकी 5 जनों की है, तो भैया बार बार सीट फोल्ड करके आप उनको पीछे नहीं बिठाओगे या उतारोगे, इजी इन एंड आउट है। 5 डोर इसलिए मारुति ने निकाली है, 10 साल लगे जिमनी को 5 डोर में आने में, तो प्रोडक्ट गंदा नहीं है भाई। एक बारी टेस्ट ड्राइव जरूर करो, फिर आपको पता रहेगा और मजा आएगा कि गाड़ी एक्चुअल में है क्या। जिप्सी लवर पहचान लेंगे कि गाड़ी क्या है, है ना। अभी तो मैं 2H पे चला रहा हूँ, 4x4 पे करता हूँ, तो भाई साहब गाड़ी में लोड आया था, पता लगता है कि भाई जमीन से और चिपक के चल रही है। तो अभी मैंने वो वीडियो की बात करनी है, तो शोरूम चल के फटाफट वो वीडियो की बात करेंगे, फिर वीडियो करेंगे एंड। अभी ना टेस्ट ड्राइव करके निकले हैं, मैं आपको कह रहा था ना कि जब तक आप इसकी फील नहीं लोगे ऑफ रोडिंग 4x4 H2 और H4 नहीं चलाओगे, तो तब तक आपको मजा नहीं आएगा भाई। बिकॉज बहुत चीजें कंपैरिजन करी उन्होंने थार से और जिमनी से, बिकॉज थार का क्या है ना, थार इंडिया के अंदर ही बस चल रही है और जो जिमनी है 199 कंट्रीज में चल रही है। दूसरा ये कि जो थार है वो किसी की कॉपी की हुई चीज़ है, तो उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैं बात नहीं करना चाहता। मगर हाँ, जिमी का अपना प्रोडक्ट जो है, मारुति का अपना प्रोडक्ट है, इसको आने में 10 साल लग गए। पहले 4 डोर की जगह ये 2 डोर में थी, फिर ये 5 डोर में आई है। तो फटाफट ऑफिस चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं जो 10.74 का जो एक्स शोरूम का जो मसला चल रहा है उसको क्लियर करते हैं, फिर वीडियो करते हैं एंड। वीर जी बड़ा परेशान लग रहे हो, की गल हो गई? यार कल से एक वीडियो देखी है ना कि जिमी का जो प्राइस है वो 10,74,000 का हो गया भाई, मेरे को समझ नहीं आया। मैंने उसकी रील भी डाली थी, मगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये ना थोड़ी फेक वीडियो लग रही है मेरे को। उसका रीजन क्या है कि एक्स शोरूम है 10,12,74,000, जो RTO के अंदर प्राइस चढ़ा होगा वो 12,74,000 ही चढ़ा होगा, आप उसको हटा नहीं सकते। 10,74,000 बोल बोल के उसके बाद वो बार बार बोल रहे हैं कि आपको इंश्योरेंस 10,74,000 रुपये करनी पड़ेगी, रोड टैक्स है 10,74,000 रुपये करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है यार। आप खुद बताओ जो RTO के अंदर अमाउंट चढ़ा होगा उसको आप कैसे हटा सकते हो। ये सारा पैकेज मारुति ने इसलिए दिया है कि स्टॉक क्लियर करना है, ईयर एंड का डिस्काउंट है। मगर अगर आप बार बार ये बोलोगे कि 10,74,000 एक्सोरूम हो गया, उसके हिसाब से इंश्योरेंस कटेगी, उसके हिसाब से रोड टैक्स होगा, वो पॉसिबल है ही नहीं। तो एक बारी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, ये वाली वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कोई रीजन नहीं चाहता हूँ कि आप पैसे खर्च कर रहे हो ना, तो गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना कर लो, बस पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन यही देनी थी कि अगर आप वो वीडियो देख रहे हो तो उसको एक बार, वो वीडियो के अंदर ना बस यही दिखाया गया है कि ना कस्टमर खराब करने वाली बात, कि यार हमारे पास कस्टमर अट्रैक्ट होके आए, हम उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। बिकॉज अगर कोई भी वेबसाइट होती है ना, ऐसे कार देखो हो गया, Car24 हो गया, आप यहाँ से गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप खाली इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और हर जगह का अलग अलग रोड टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो आपको दिल्ली का अलग पड़ेगा, यूपी का अलग पड़ेगा, फरीदाबाद का अलग पड़ेगा। तो एक बारी आप मेरे से कॉन्टैक्ट जरूर करना, मैं नंबर नीचे दे दूंगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो गाड़ी से रिलेटेड, मैं आपकी पूरी इंक्वायरी सॉल्व करूंगा। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी से मिलेंगे नई वीडियो में, बहुत सारा प्यार, लव यू।